सो बहुत गुड इवनिंग, एक बार फिर आ चुके हैं पी जेड बाइकर्स पॉइंट पे। आज हम लेके आए अपनी कावासाकी निंजा 300 स्पेशल एडिशन को लाइट्स इंस्टॉल करवाने। ये हमारे पास में HGG की ड्यूअल कलर फॉग लैंप्स, और ये जो सिंगल वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये वाली लाइट है। इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की लाइट्स आपको देखने को मिलती है ये वाली। इसमें आपको ड्यूअल कलर्स देखने को मिलेंगे, येलो एंड वाइट। ऑल्सो वेज काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि यार फेयरिंग बाइक में कैसे इंस्टॉल होगी, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा ऑल्ट्रेशन करने की कोशिश करी है जो कि हम यहाँ क्रैश गार्ड पर इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलेगी। यूजुअली लोग हेडलाइट के जस्ट नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पर इंस्टॉल करवाते हैं, बट यहाँ हमने ऑलरेडी विंगलेट लगा रखा है तो यहाँ पर कोई भी जगह नहीं रहती। सेकंड स्पेस हमारे पास होता है शॉकर वाला, यहाँ पर शॉकर माउंट्स आते हैं जिन पर आप लाइट लगा सकते हैं, बट मुझे नीचे वाला लुक ख़राब नहीं करना है। प्लस वो वाला थोड़ा सा ज़्यादा फ्रंट टू इम्पैक्ट हो जाता है, इसलिए उसको भी कैंसिल करके हम सीधा क्रैश गार्ड पर लगा लेते हैं। ये एक नया ट्रेंड हो जाएगा, यूजुअली क्रैश गार्ड पर इंस्टॉल नहीं होती है, तो फटाफट से प्रोसेस शुरू करते हैं इसको लगाने का। सो गाइस, इसी के साथ यहाँ पर दोनों के दोनों होल्स हो चुके हैं एज यू कैन सी। अब फटाफट से इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। इन्हीं लाइट्स के साथ में गाइस कुछ बोल्ट्स और नट्स हमको देखने को मिल जाते हैं वॉशर के साथ में, जिनकी मदद से इन्हें फिक्स करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर हमने ये माउंट भी फिक्स कर दिया है, तो अब इस माउंट के ऊपर सिर्फ लाइट लगाना बाकी है। कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलेगा बाइक के साथ में जो कि बिल्कुल भी हिंडर नहीं करेगा इसके लुक के साथ। सो गाइस, दोनों लाइट्स हमने यहाँ पर फिक्स कर दिए, एक इस साइड और दूसरी इस साइड, और कुछ इस तरीके का POV एंगल आने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लुक्स देगा बाइक को। एंड अब हमारा काम रह गया है वायरिंग का, तो हम दोनों के दोनों वायरिंग यहाँ फेयरिंग की तरफ से अंदर डाल के जो हमारे हेडलाइट की पार्किंग बल्ब वाले कपलर है उनमें फिक्स कर देंगे, ताकि सारा का सारा खेल डायरेक्ट इग्निशन से हो जाए। सो गाइस, यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लाइट्स फिट हो गई है, वायरिंग हमने यहाँ कर दी है, दोनों लाइट्स की वायर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, और एक वायर हमने यहाँ पर निकाल लिए अर्थिंग के लिए। अब फटाफट से इनको स्विचेस के साथ और आगे कपलर में कनेक्ट करना रह गया है। सो गाइस, यहाँ पे सारा का सारा काम खत्म हो चुका है, एंड एज यू कैन सी लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी है परफेक्टली। यहाँ पर हमने स्टार्ट भी कर दिया है, अभी गाड़ी हमारी खड़ी है साइड स्टैंड पे और थ्रू आ रहा है कुछ इस तरीके से, ये है वाइट, ये है येलो। एक काम करो, आप बैठ के करो, ये हो गई येलो, ये हो गई वाइट, दोनों साथ लगा दो, ये दोनों का साथ में, क्या बात है। बाकी गाइज, इसी टाइप की मॉडिफिकेशंस के लिए आप आ सकते हैं PZ बाइकर्स पॉइंट में। ये फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ हुई है कि क्रैश गार्ड पे लगा के किसी ने अपनी बाइक में लाइट्स लगवाई है, एंड जस्ट लुक एट इट गाइज, क्रेजी सेटअप। अब वाइट करो इसके साथ में। हाँ, ये सही है।